हैं सेफ्टी की, जैसे ही आप किसी भी एक अननोन पर्सन से डिस्कस करते हैं, ही और शी में फील के सारा का सारा सेफ्टी बस एक ही फील्ड है, लेकिन अगर आप सेफ्टी के अंदर एंटर होंगे, चार अगर ब्रॉडर टर्म में कहें तो चार सेफ्टी की फील्ड्स हो जाती हैं आगे जाके। एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, प्रोसेस सेफ्टी, फंक्शनल सेफ्टी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये बेसिकली फोर डोमेन्स हैं किसी भी सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए अपने करियर को परस्यू करने के लिए। स्टार्ट फ्रॉम द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बेसिकली रिलेट करती है वर्क प्लेस पे, लाइक के वर्क प्लेस पे कोई भी एक्सीडेंट ना हो। हमारा जो मेन पर्पस होता है बेसिकली कि हमारी वर्क प्लेस शुड बी फ्री ऑफ एवरी हैजर्ड, एवरी पॉसिबल हैजर्ड, इसका पर्पस ये होता है, हम यही कंसीडर करते हैं। सो बेसिकली इट रिलेट्स टू स्लिप ट्रिप फॉल एंड एर्गोनॉमिक्स, इसके अलावा हाउस कीपिंग हो गया, जनरल वर्क एनवायरमेंट हो गया, नॉइज लेवल, ऑडियोमेट्री, लाइट लक्स लेवल, ये वो चीजें हैं जो कि बड़े मतलब इजिली एक असेसर जिसको असेस कर सकता है कि साइट पे कोई ऐसा हैजर्ड मौजूद ना हो जिससे पर्सन जो है वो स्लिप ट्रिप या अल्टीमेटली फॉल कर जाए। एर्गोनॉमिक्स मीन के उसकी सिटिंग स्टैंडिंग पोस्चर, क्योंकि जो वाइब्रेटर वगैरह यूज कर रहे हैं, जो मैनुअल वाइब्रेटर यूज करते हैं या किसी किस्म की मशीनरी को यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये ज्यादा आता प्रोडक्शन एरियाज में है जहाँ पे बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क होता है, तो उनकी सिटिंग प्लेस कैसी होनी चाहिए आपने वो डिजाइन करके बीइंग सेफ्टी प्रोफेशनल उनको देनी होती है कि यस ये इस वे में करेंगे तो इनका एर्गोनॉमिक जो होगा वो क्लियर होगा। जैसे आपने सुना होगा कि पीसी पे वर्क करते वक्त भी इस चीज को रेकमेंड किया जाता है कि आपका जो स्क्रीन हो दैट एंगल शुड बी 15 और लेस देन 15, आपकी आईज और कंप्यूटर की स्क्रीन का शुड बी ऑन द लेवल स्क्रीन का, और आपका जो है शोल्डर लेवल जो है वो बैलेंस होना चाहिए। इस तरह से काफी और सारी चीजें होती हैं जो कि एर्गोनॉमिक्स में फॉल करती हैं, आइदर सिटिंग जॉब है या स्टैंडिंग जॉब है या मैकेनिकल मशीन जॉब है, उसमें आपने देखना होता है। हाउस कीपिंग साइड पे बहुत सारे हादसात हाउस कीपिंग की वजह से होते हैं, जैसे देर आर मल्टीपल लाइक कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो उसकी डिफरेंट लाइन्स हैं, अगर वो इन द प्लेस होंगी तो अल्टीमेटली वो हाउस कीपिंग इशू होता है और उससे भी बहुत सारे हादसात होते हैं। नॉइज लेवल, जैसे पावर प्लांट पे लोग काम करते हैं वहां पे एक्सेसिव नॉइज होता है, 85 डेसिबल से ज्यादा की नॉइज जो है हमारा ओशा स्टैंडर्ड नॉट अलाउड टू डू वर्क फॉर द 8 आवर्स। इन दैट पर्टिकुलर केस आपने बेसिकली चीजें डिजाइन करके देनी होंगी बीइंग सेफ्टी प्रोफेशनल के ये नॉइज लेवल 85 dB की लिमिट्स के अंदर है। अब डेफिनेटली कुछ आप इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाएंगे कि जो नॉइज प्रोड्यूसर चीज है वो अपनी नॉइज लेवल को कम करे, कुछ आप ये करेंगे पर्सन को प्रोटेक्ट कर देंगे। बेसिकली हायरार्की ऑफ कंट्रोल का वर्ड यूज होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल ये कहता है कि सबसे पहले जो हैजर्ड है आपने उस हैजर्ड को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है कि वो टोटली एलिमिनेट हो जाए। अगर वो एलिमिनेट नहीं हो सकता तो यू हैव टू चॉइस के उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। लेट्स सपोज कि एक मशीन है, पहले तो आप कोशिश करें कि अगर इफ मशीन जो है वो एक्सेसिव नॉइज प्रोड्यूस कर रही है तो आप इस मशीन को यूज ही ना करें, इफ इट माइट बी पॉसिबल डू इट सम अदर वे। लेकिन अगर वो अनअवॉइडेबल है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इट, सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में आप उसको किसी और मशीन से रिप्लेस कर दें या उसका कोई और वे आउट निकाल लें। And then it comes the engineering control, like उसी machine पे कोई silencer लगा दिया जाए so that noise level जो है वो control हो जाए, this is called the engineering control. And at the end क्या आता है, administrative control, फिर वहाँ पे लोगों को limitize कर देंगे, शोर के area में कम से कम जाओ और फिर PPs पहना दो कि like उनको ear muff दे दो, ये चीजें होती हैं। तो PPs हो गया या administrative control, ये हमारे weakest control होते हैं। तो ऑलवेज बीइंग इंजीनियर आपको फर्स्ट टू पे ही, क्योंकि आप बेसिकली जो सेफ्टी प्रोफेशनल बनेंगे वो किस चीज से बनेंगे कि एक नॉलेज एंड डिजाइन बेसिस पे। इंजीनियरिंग टोटल नाम ही डिजाइनिंग का है, चीजों को ऑपरेट करना ऑपरेटर का काम है, वो हमारे DAEs होते हैं, बहुत अच्छा ऑपरेट, हमसे अच्छा ऑपरेट कर देते हैं प्लांट को। तो आपका काम जस्ट ट्रबल शूटिंग होता है। ट्रबल शूटिंग के अलावा ये चीज आपने देखनी होगी कि आप डिजाइन या चीजों को के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। देन इट कम द लाइट लक्स लेवल होता है कि कोई भी पर्सन अगर कोई बारीकी का काम हो रहा है वहां पे लाइट का लेवल जो है लक्स लेवल पूरा हो। ये सारी चीजें जो होती हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में आती है, ये मैंने बहुत थोड़ी लिमिटेड सी रखी है, इसके अलावा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है।
उसके बाद आपकी जो मेन कंसर्न की चीज होती है, फाइनल ईयर के अगर स्टूडेंट है मोस्टली, तो उनको इस चीज से बहुत कंसर्न होता है कि जॉब मार्केट क्या है, आगे हमारा स्कोप क्या होगा, अगर हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोफेशनल बनने की कर सोचें भी सही, तो अल्टीमेटली क्योंकि जॉब ही रिक्वायर करना होता है, तो उसमें ये है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली अदर सेफ्टी फील्ड्स जो मैंने प्रोसेस और फंक्शनल और सेफ्टी मैनेजमेंट की बताई है। लेकिन इसमें होता ये है कि प्रोफेशनल भी उतने ज्यादा हैं, क्योंकि इजी है ना, अभी आपने देखे तीन चार चीजें पढ़ी हैं और आपको समझ आ गई, तो इन चीजों पे रिसर्च करना इजी है, इस पे आपको लिटरेचर बहुत अच्छा मिल जाता है, इस पे आपको कंट्रोल्स अच्छे मिल जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो ट्राई करते हैं कि हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोफेशनल बने। तो जॉब्स भी बहुत हैं, लेकिन फिर मार्केट में अगेन सैचुरेशन भी उसी हिसाब से ज्यादा हो जाती है कि जितनी मार्केट सैचुरेशन है सेफ्टी प्रोफेशनल की, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोफेशनल की, उतनी किसी और की नहीं है। सो कोई भी इंडस्ट्री है, आइदर वो प्रोसेस इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, या फिर प्रोडक्शन प्लांट है, उन सब में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोफेशनल तो चाहिए होगा, सीट पक्की है उनकी, इसमें कोई इशू नहीं है कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोफेशनल को जॉब नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह मिल जाती है, रेस्ट ऑन योर लक। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस हैं वो क्या है कि निबोश कर लें अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं सेफ्टी में, लेकिन अगर आपका एक साल सेफ्टी में, एक दो साल हो गया एक्सपीरियंस एज अ सेफ्टी इंजीनियर काम करते हो एंड नाउ यू बिकम वांट टू बिकम सेफ्टी प्रोफेशनल, तो फिर निबोश डिप्लोमा कर लें, आयोज की ये जो ग्रेजुएट मेंबरशिप है ये ले लें, और या फिर आईएसओ 45,000 ये है कि इनको अगर आप करके इम्प्लीमेंट करके आप एक अच्छे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोफेशनल बन सकते हैं।